जब इंसान स्कूल पहली बार जाता है तो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, सर हम कुछ बोले, सर हमें बोलने दीजिए ना, सर हमारा सूसू आ रहा है, हम डायपर बदल कर आए. वो बार बार ओम बिरला कहते बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ. तो उसने बोला माहौल देखा ही था, इसलिए कहते कि देखो जो जिस लाइन का है वो नचनिया गवनिया एक तरह से एक्टिंग करने वाली हीरोइन, तो उसको वहीं छोड़ो. अभी भी अगर आप देखो उसने एक स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि हमारा जो प्राइमरी काम है ना वो एक्टिंग करना है और हम लगातार एक्टिंग करते रहेंगे. अपनी फिल्म को प्रमोट कर रही है एमपी बनने के बाद और कह रही हमारा प्राइमरी काम है. अभी तो तू एमपी क्यों बनी बावली, तेरा प्राइमरी काम तो जनता की हिफाजत करना है, जनता के मुद्दों पर बोलना है. नेता जो होता है 24 घंटे का नेता होता है, पॉलिटिशियन 24 घंटे का होता है, वो ऐसा नहीं होता कि पार्ट टाइम होता है. तू फुल टाइम बनी है एमपी, पार्ट टाइम नहीं बनी. तो इस बावली को तो यही नहीं पता मुझे कहां पर क्या बोलना है किस तरह बावली बोलना नहीं है. बाजी बोली नहीं नहीं बावली क्यों, बाजी क्यों बोलू, अल्लाह ना करे मेरी माँ ऐसी आपकी उम्र की है ऐसी कम से कम कलंक, नहीं नहीं ऐसे बहन बहन मेरी, है आपकी अल्लाह ना करे मेरी माँ ऐसी कलंकनी को, ऐसी गद्दार औरत को पैदा करे जिसको बात करने की तमीज, जो खुद ही अपने देश को गद्दार कह रही, जो खुद ही महाराष्ट्र को कहती कि पाकिस्तान का हिस्सा है. मैंने कहा उसको भीख में मिली हुई सदस्यता है, भीख में एमपी बनी है. और जिस लिहाज से ये एमपी बनने के बाद इसने ड्रामा करा, कहती है हम उनसे मिलेंगे जो हमें आधार कार्ड दिखाएंगे. तो जब तू जब वोट मांगने जा रही थी, खुशामदे कर रही थी लोगों की, हिमाचल में घूम घूम के मंडी में घूम घूम के बेच रही थी सब्जियां, मंडी में सब्जी बिकती है, और कह रही थी हमें वोट दो हमें वोट दो, तब तूने कहा था कि आधार कार्ड देकर मिलेंगे.